हाय गाइस, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम टू अवर चैनल गणित थ्योर। सो आज इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अपना सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेट थ्योरी। बेसिकली इस चैप्टर को हम अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं, बट फिर भी इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेट की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब है जब हम सब एक सर्टेन कॉमन रिजल्ट पर पहुंच सकें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट टीम, तो हम सबका एक ही आंसर आएगा, दैट इज 11। मतलब यहाँ हम सबका एक कॉमन आंसर आया, हेंस इट इज वेल डिफाइंड। बट अगर मैं आपसे पूछूं बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, तो कोई कहेगा विराट कोहली, कोई कहेगा रोहित शर्मा और कोई कहेगा रविंद्र जडेजा। मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने शुरू हो गए, हेंस इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। एंड फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं हु इज़ करंट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तो फिर से हम सबका एक कॉमन आंसर आएगा, दैट इज़ रोहित शर्मा, है ना। तो कहने का मतलब जब हम सबका एक कॉमन आंसर आए उस कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन, अदरवाइज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? सो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कैसी कलेक्शन? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की। सेट को हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, जैसे ए बी एक्स वाई एनीथिंग। एंड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या जिन्हें हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, उन्हें हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ठीक, नाउ हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं। द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन अ क्लास। नाउ सी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कलेक्शन, ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? हो सकता है कोई पर्टिकुलर बच्चा मैथ्स में होशियार है तो मेरे लिए वो इंटेलिजेंट है, बट हो सकता है कोई और बच्चा इंग्लिश में इंटेलिजेंट है बट मैथमेटिक्स में वीक है। अब मेरे लिए वो बच्चा वीक है, बट जो इंग्लिश वाला टीचर है उसके लिए तो वो बच्चा इंटेलिजेंट हुआ ना। कहने का मतलब यहाँ पर हम सबका एक कॉमन आंसर नहीं आ रहा, हेंस इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। सिमिलरली सेकंड की बात करें, स्टूडेंट्स विद मोर देन 80% मार्क्स इन क्लास। नाउ सी, हम सबको पता होगा कि क्लास में 80% से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। अगर क्लास में तीन बच्चे हैं, राम, श्याम, लखन, जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो क्लास में से किसी से भी पूछ लो, सारे लोग उन्हीं तीन बच्चों का नाम लेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक कॉमन आंसर आ रहा है, हेंस इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, हेंस इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इसमें सेट को हम कर्ली ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए ई आई ओ यू, दैट इज यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आ गई और एलिमेंट्स को हमने कॉमा से सेपरेट किया। दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पर देखो, स्टार्ट ब्रैकेट से ही होगा, एलिमेंट आएगा एक्स, सच दैट, इस डबल डॉट को कहते हैं सच दैट एक्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कहने का मतलब यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिख दिया कि वोवल्स कौन कौन से हैं उनको लिख दो, बट यहाँ पर हम एलिमेंट्स की क्वालिटी लिखेंगे। जैसे अगर इसी को लिखना हो, सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर एक्स का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यही वाले एलिमेंट्स हैं। हाँ, लिखने का तरीका इस तरीके से है, दैट इज कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी,
सच डेट का साइन आएगा, कंडीशन आएगी और यहाँ पर वेरिएबल आएगा. क्लियर? सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट. ठीक, नेक्स्ट हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास तीन नोट्स हैं, उन्हें देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सेट डजंट मैटर. वो कहता अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, इसे चाहे मैं ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे भी लिख दूं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है. एलिमेंट्स को हम इधर उधर करके लिख सकते हैं. सेकंड वन इज रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड. वो कहता अगर हमारे पास सेट है इसमें 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब सिंपली उस सेट में 1, 2, 3 है, मतलब हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते. ठीक. थर्ड वन इज इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी राइट इट एज एक्स बिलोंग्स टू ए. ये ई है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेट है, इसका नाम दे दिया ए. नाउ 1 इस सेट में है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 belongs to A. 2 इस सेट में है, 2 को भी हम ऐसे लिखेंगे 2 belongs to A. बट क्या 4 इस सेट में है? नहीं, तो 4 को हम लिखेंगे 4 doesn't belongs to A. ये सिंबल हो गया belongs to का, ये सिंबल हो गया doesn't belong का. ठीक. नाउ कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. सो लेफ्ट साइड में हमारे पास दे रखी है रोस्टर फॉर्म, राइट साइड में दे रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, और हमने देखना है कौन सा सेट कौन से सेट से मैच करता है. सो द वेरी फर्स्ट इज अवर, पढ़ने का तरीका देखना, वो सारे एक्स जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें. नाउ 5 में हम क्या जोड़ें कि आंसर वापस 5 आ जाए? 0 जोड़ेंगे, है ना, और 0 एक इंटीजर भी है. तो फर्स्ट वाला मैच करेगा सी से. सेकेंड वन इज वो सारे एक्स जो नेचुरल्स भी हों एंड डिवाइजर्स ऑफ 10 भी हों. अब 10 के डिवाइजर्स, 10 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1, 2, 5 and 10, एंड ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो सेकंड को इससे मैच कर दो. थर्ड वन इज वो सारे एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल. मतलब एप्पल वर्ड में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं हमने उनको लिखना है. एप्पल वर्ड में कौन कौन से लेटर हैं? A, P, L and E. अभी हमने सीखा था कि एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो ये किससे मैच होगा? थर्ड वाले से. फोर्थ वन इज वो सारे एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0. तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5. तो ये मैच करेगा हमारी ऑप्शन बी से. क्लियर? नाउ यहाँ पर देखो कुछ वर्ड्स हैं, इंटीजर्स, नेचुरल्स. ये सारे वर्ड्स हम सेट थ्योरी में बार बार यूज करेंगे कि नेचुरल्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स, रियल्स. इन सब पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इससे आगे आने वाली. जिन स्टूडेंट्स को इन सब के बारे में पता है वो डायरेक्ट थर्ड वीडियो को देख सकते हैं. सेकंड वीडियो में मैं सारे के सारे नंबर सिस्टम की बात करूंगा एंड आपको याद करवा दूंगा. तो चलिए अब इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं. सो द क्वेश्चन इज राइट द सेट 1, 1/2, 1/3, 1/4 and so on. मतलब ये आते चले जा रहे हैं, इसके बाद 1/5, 1/6 आते जाएंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म. मतलब यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सेट बिल्डर फॉर्म, फिर से वही बात, एक्स सच दैट जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे. तो ध्यान से देखो, एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1/n वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3 and so on, है ना. अगर n को यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1, 2 पुट करेंगे मिलेगा 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, 4 पुट करेंगे 1/4. मतलब जैसे जैसे हम ये नंबर्स पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ये नंबर्स मिलते जाएंगे. सो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट. या इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये दोनों के दोनों तरीके ही सही हैं सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के. तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि जरूरी नहीं है हम सब एक ही तरह से आंसर दें, सेट बिल्डर फॉर्म के आंसर डिफरेंट डिफरेंट भी
हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने ये वाला आंसर दे दिया हो सकता है किसी ने ये वाला, दोनों के दोनों आंसर्स ठीक हैं। क्लियर? सो दिस वाज, अब फाइनली बात करते हैं व्हाट इज अ सबसेट। अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। वो कहता अगर हमारे पास कोई सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। नाउ सी, ए के सारे एलिमेंट्स इस सेट बी में प्रेजेंट हैं। बी में इनके अलावा कुछ मर्जी आता रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 ये वाले सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं, तो ए को हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। बस अभी के लिए इतना समझ लो, हमारी नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने में काम आएगा। बाकी इसको इन डिटेल अपनी थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।